सुनीता ध्रुव धमतरी। प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे, बताएं। मम्मी का डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1969 डेट ऑफ बर्थ। समय? समय का तो नहीं पता गुरुजी। ये बताइए, खांसी आती रहती है? हाँ, अभी अभी शुरू हुआ है। शुरू हो गई? हाँ, अभी शुरू हुआ है। ठीक। शरीर में हमेशा खून की कमी रही? जी। सही बात है? सही बात है। जरा सी भी आहट आती है तो रात को नींद टूट जाती है? हाँ, काफी परेशान रहती है। सही बात है? सही बात है। जरा सी भी लाइट जलेगी तो आप सो नहीं सकती, या तो आंखों पर गमछा डालेंगे या लाइट बंद करेगी, तब आपको नींद आती है। सही बात है? सही बात है। आजू बाजू में, आपके अगल बगल में अगर साउंड बक्से बजते तो ऊंची आवाज से आपको चिढ़ होती, इरिटेशन होता है, गुस्सा आती। सही बात है? सही है। सही बात है? सही बात है। नीला रंग, आसमानी कलर आपको अच्छा लगता है? सही बात है? सही बात है। सही बात है? सही बात है। सही बात है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? 2018 से मैं काफी परेशान हूँ, मतलब ना तबीयत हमेशा खराब। देखिए, हड्डियों की तकलीफ रहेगी, सिर में दर्द और घबराहट, यही है। इलाज कराएंगे, बीमारी कुछ निकलेगी नहीं। हाँ, ऐसे तो कुछ बीमारी नहीं बत नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं ना आपको। हाँ। वो तो हम भी समझ रहे हैं। अब बहू होती तो बहू जरूर कहती कि कोई बीमारी नहीं, गुरुजी सही कह रहे हैं। लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, आप गहरी नींद सोया करें। नहीं सो पाती ना, मैं नींद की दवाई खाती हूँ तब सो पाती हूँ। नींद की दवाई ना? हाँ, वो तो आपकी आवाज बता रही कि आप सो नहीं पा रहे। सो नहीं पा। एक वेद की ऋचा है, वेद की ऋचा लकीर, निद्राम भगवती विष्णु अतुल तेज सह प्रभो नमामि। इस वेद की ऋचा को कोई भी मनुष्य, आ गए आप बैठिए, कोई भी मनुष्य इस वेद की ऋचा को रात में थोड़ी देर पाठ करता रहे तो बड़ी गहरी नींद आती, फिर उसको कोई चिंता नहीं, बड़ी गहरी नींद आती। या तो एक फल होता है, उसको ऐसा नाखून जैसा होता है, इतना बड़ा काला फल, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं जंगल में, खेतों के किनारे, वो कहीं भी ऐसी हुक जैसी फंस जाती, वो फल मिल जाए, जंगली फल जी। उसको पुड़िया में सिरहाने रख लो तो गहरी नींद आती। या मिलिट्री वाले जो उपयोग करते हैं खच्चर, खच्चर का दांत कहीं मिल जाए, उसको पैकेट में डाल के सिरहाने रख के सो तो कभी नींद टूटते ही नहीं, इतनी अच्छी नींद लगती। ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। निद्राम भगवती विष्णु अतुल तेज सह प्रभो नमामि। मंत्र है ये? मंत्र है, कुंडली तो है नहीं। एक चंद्रमणि और एक नीलम आप धारण करें चांदी में। नीलम तो पहनी थी मैं। है? नीलम धारण करी थी चांदी में, पहना था? हाँ, पहने थे। तो ओ, गोबर उठाते समय फेंका गए। कितने का था? नहीं, उतना बाकी थे राशि के अनुसार से। अरे, कितने पैसे का था नीलम? नहीं पता मेरे को, वो एक बाबा दिए थे। अरे, इस देश में बाबा लोग बहुत कुछ बांट रहे हैं। बाबा दिए थे। भ्रम तो बांट ही रहे। अरे, बाबा के पास उतनी जायदाद नहीं होगी, 60-70 हजार रुपए का नीलम आता है। अच्छा है, कोई बाबा घर आके नीलम थोड़ी देगा, कांच का टुकड़ा। बाकी चांदी में पहनने के लिए बोले थे तो मैं पहनी। नीलम पहनी, चंद्रमणि पहने? नहीं, नीलम नीलम पहनी, चंद्रमणि भी पहनी। एक पर्ची निकाल दीजिए, ठीक? धन्यवाद।